बिहार के भविष्य से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, किसान भाइयों और बहनों, अन्य गणमान्य अतिथियों, बिहार में राज्यपाल के मेरे कार्यकाल के दौरान सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों का जो मुझे भरपूर स्नेह मिला उसे मैं जीवन भर याद रखूंगा। राष्ट्रपति के रूप में पहली बार बिहार आना मेरे लिए कई मायनों में एक सुखद अनुभव है। आज का समारोह इसलिए भी मेरे लिए खास है क्योंकि मैं स्वयं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूं। जब तक मैं यहां था ये सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र जिसमें आज हम सब लोग बैठे हुए हैं इसका निर्माण पूरा नहीं और लेकिन इसका जो छोटा सा एक भाग है ज्ञान भवन उसमें मुझे आने का अवसर जरूर प्राप्त हुआ। इसको मैं दूसरे एक भाव से देखता हूं कि राजभवन में मैं लगभग 2 वर्ष तक रहा। राजभवन में रहते हुए भी यदि बिहार ने जिस ज्ञान को समेटा है पूरे दुनिया में बांटा है उस ज्ञान को यदि आप ना हासिल कर सके तो मुझे लगता है कि वो आपका राजभवन में रहना अधूरा है। और लेकिन जब मैं ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में आया आज मैं उस पर थोड़ा सा पीछे जाकर के मैं सोच रहा था कि इसका क्रम कैसे था राजभवन से ज्ञान भवन अर्थात जो बिहार की सभ्यता का बिहार का जो हेरिटेज है धरोहर है उसका ज्ञान इस प्रदेश की संस्कृति का ज्ञान यहाँ के महापुरुषों का ज्ञान बुद्ध और महावीर का ज्ञान और उसे हासिल जब मुझे लगता है कि शायद करते करते और तभी मुझे राष्ट्रपति भवन पहुंचने का सुअवसर एक जो क्रम बना राजभवन ज्ञान भवन और उसके बाद राष्ट्रपति भवन। लेकिन राष्ट्रपति भवन में पहुंच करके भी यदि हम बापू के आदर्शों पर ना चल सके तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति भवन में पहुंचना भी अधूरा है। और इसीलिए आज मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस बापू सभागार में आने का मुझे सुअवसर और मैं समझता हूं कि मात्र बिहार में पैदा होना ही बिहारी पर नहीं है लेकिन जिन बातों का मैंने उल्लेख किया यदि ये मेरी बातें सभी मैं चाहूँगा जीवन में मेरी भरपूर बनी रहे और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यही सबसे बड़ा बिहारी पर्व है। भाई और बहनों आधुनिक भारत के निर्माण में बिहार की विभूतियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज यहाँ मुझे भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्य स्मृति में उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण का सौभाग्य मिलता है। राजेंद्र बाबू को तो मैं रोज प्रणाम करता राष्ट्रपति भवन में जहां पर भी निकलो उन्हीं का फोटो दिखाई पड़ता है। मैं जिस अपने कक्ष में भी बैठता हूँ तो उसमें भी राजेंद्र बाबू का एक प्रतिमा लगी हुई है तो मैं इस नाते से अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बिहार की इन दोनों महान विभूतियों को कृतज्ञ राष्ट्र ने भारत रत्न से सम्मानित किया। बिहार की महान विभूति वीर कुंवर सिंह का बलिदान आज भी लोगों को रोमांचित कर देता है। बक्सर में जन्मे उस्ताद बिस्मिल्ला खान बिहार से तीसरे भारत रत्न।
बाबू जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर ने समाज में समानता और समरसता स्थापित करने की दिशा में अपना ऐतिहासिक योगदान दिया। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने मुंगेर को कर्मस्थली बनाकर अपने योग विद्यालय के जरिए मानवता की निरंतर सेवा की। मुझे भी इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग विद्यापीठ में जाने का अवसर मिला। हम सब लोग जानते हैं कि अप्रैल 2017 से चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मनाया गया। सचमुच में चंपारण सत्याग्रह किसानों पर ही केंद्रित था। किसानों के हित में नए कृषि रोड मैप को आरंभ करने का मुझे लगता है यह सर्वोत्तम अवसर है। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के द्वारा यही बताया था कि किसान ही भारतीय जीवन का केंद्र है। किसान हम सबके अन्नदाता हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं, उनके विकास के लिए काम करना ही राष्ट्र निर्माण को सही मायने में शक्ति देता है। बिहार कृषि का एक प्रमुख केंद्र रहा है। सन 1905 में भारत का पहला आधुनिक कृषि संस्थान इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा समस्तीपुर में स्थापित किया गया था, जो आज का राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि क्षेत्र में इसके देशव्यापी योगदान को देखते हुए अब इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया। बिहार की धरती अन्नपूर्णा है, यहाँ ग्राउंड वाटर सुलभ है। बिहार के किसान जुझारू हैं, वे बाढ़ और सूखे की मार के बावजूद अपने काम में जुटे रहते हैं। किसानों, कृषि वैज्ञानिकों तथा अन्य स्टेक होल्डर से परामर्श करने के बाद किसानों के लिए बिहार सरकार ने वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप की शुरुआत की। इस रोड मैप में किसानों के विकास के लिए व्यापक और समन्वित समाधानों की व्यवस्था है। कृषि से जुड़े सभी विभागों द्वारा किसानों को केंद्र में रखकर उनकी समग्र रूप से उन्नति करने की दिशा प्रदान की गई। यह एक बुनियादी बदलाव है। इस बदलाव से किसानों को फायदा हुआ है। उदाहरण के लिए प्रति हेक्टेयर धान की उपज 10 साल पहले 1.3 टन हुआ करती थी, जो अब 2.5 टन हो गई है। लगभग 90% की यह वृद्धि बहुत ही प्रभावशाली है। यह देखते हुए कि राज्य स्तर पर लगभग 35 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती होती है, धान की उपज में यह बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। खाद्यान्नों की उपज में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार को राष्ट्रपति द्वारा कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2021-22 तक के लिए आज जारी किया जा रहा यह तीसरा कृषि रोड मैप बिहार में कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन को नई शक्ति प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस रोड मैप के तहत आज शुरू की गई जैविक कॉरिडोर, मछली पालन, सिंचाई, सहकारिता और बिजली से जुड़ी नौ योजनाओं के कार्यान्वयन से कृषि विकास को बल मिलेगा। इस बार के रोड मैप में शामिल की गई जो चीजें बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं, उनमें से एक है जैविक कार्यक्रम। बिहार में प्रकृति ने जैविक खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की हैं। इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी संबोधन में भी कहा, इन परिस्थितियों के लाभ उठाते हुए गंगा के दोनों तटों के गांवों में जैविक कॉरिडोर विकसित करते हुए कृषि विकास को एक नया आयाम दिया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय है। मुझे बताया गया है कि इस रोड मैप में लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने का भी लक्ष्य रखा गया है। यह एक अच्छी पहल है। किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत दिलाने में मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग के जरिए उनकी सहायता करने की बहुत आवश्यकता है। फलों और सब्जियों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने से भी किसानों को लाभ पहुंचेगा। हाल ही में दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 में किसानों के फायदे के लिए आधुनिक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जरूरत पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 50 देशों ने भाग लिया। इसके समापन सत्र में मुझे सबको संबोधित करने का अवसर मिला। मुझे लगता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से पैदा हुए अवसरों का लाभ उठाने के लिए राज्यों के द्वारा प्रयास किया जाए तो और भी अच्छा होगा।
खेती के विकास के लिए हमें वाटर मैनेजमेंट में अधिक से अधिक काम करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि आज शुरू की गई 9 योजनाओं में से 4 योजनाएं जल संसाधन के प्रबंधन से जुड़ी हैं। राज्य और केंद्र स्तर पर पारस्परिक विमर्श एवं समन्वय जारी रखते हुए जल प्रबंधन की प्रभावी प्रणालियों का विकास करते रहना चाहिए। इससे बाढ़ पर नियंत्रण करने और सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। पारंपरिक जल स्रोतों को रिचार्ज करने की भी आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि कुछ जिलों में आहार पाइन प्रणाली को भी पुनर्जीवित किया जा रहा है। अतः परंपरागत जल प्रबंधन प्रणाली को व्यापक रूप से बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार में गंगा की अविरल धारा और निर्मल धारा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हुए कृषि विकास को बल दिया जा रहा है। वाटर मैनेजमेंट पर खेती का दारोमदार है। यदि बिहार में वाटर मैनेजमेंट प्रभावी ढंग से लागू हो जाए तो मुझे लगता है कि अगली हरित क्रांति की जो शुरुआत है उसका गौरव बिहार प्रदेश को मिलेगा। बिहार के कई क्षेत्रों में मछली पालन उद्योग के विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। आज किशनगंज में बिहार मात्स्यिकी महाविद्यालय की स्थापना की शुरुआत की गई है। इससे मछली पालन उद्योग में आधुनिक तरीके अपनाने में बहुत मदद मिलेगी। कृषि विकास के लिए इंद्रधनुषी क्रांति का जो नजरिया अपनाया गया है उससे प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा। अनाज पशुपालन दुग्ध उत्पादन और मछली पालन को समेकित रूप से देखने तथा अधिक विकसित करने पर जोर दिया गया है। साथ ही कृषि से जुड़ी सभी सुविधाओं को बेहतर बनाकर बिहार के उत्पादों का बाजार बढ़ाने की दिशा प्रदान की गई है। मुझे विश्वास है कि कृषि रोड मैप के अनुसार आगे बढ़ते हुए बिहार की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। साथ ही देश की खाद्यान्न सुरक्षा में भी बिहार अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। सुधा डेयरी की सफलता के द्वारा बिहार सरकार ने डेयरी क्षेत्र में सहकारिता की एक शानदार मिसाल कायम की है। सुधा डेयरी के परिचिन अब न केवल बिहार तक सीमित हैं बल्कि बिहार की सीमाओं से बाहर भी धीरे धीरे पहुंच गए हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों तक सुधा डेयरी के उत्पाद उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी आपका जो कृषि विभाग रोड मैप है ये फोल्डर इसको मैं देख रहा था, इसका आपने उल्लेख भी किया कि इसका एक उद्देश्य है कि प्रत्येक भारतीय के थाल में बिहार का एक व्यंजन पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि शायद इसी लक्ष्य की दिशा में अभी जब छठ की पूजा हो रही थी उस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में जो बहुप्रचलित प्रसाद होता है ठेकुआ वो राष्ट्रपति भवन में सुधा डेयरी द्वारा। बिहार के मेहनत कश लोग राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते रहे हैं। बड़े शहरों के विकास में चाहे दिल्ली हो या मुंबई बिहार के लोगों की प्रतिभा और परिश्रम का सदैव योगदान रहा। बिहार के प्रतिभाशाली लोग सिविल सर्विसेज एवं अन्य तकनीकी परीक्षाओं में उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। विदेशों में भी बड़ी संख्या में बिहार के लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में बिहार के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका अदा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज एक बात की और बिहार की छवि को बिहार के बाहर सही रूप में बताने और इमेज बिल्डिंग में बिहार के सभी हितैषियों को आवश्यक कदम उठाने होंगे। जितनी जल्दी राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी उतना ही लाभ होगा। कृषि रोड मैप से भी बिहार की इमेज बिल्डिंग में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। बिहार के किसान भाइयों और बहनों कृषि वैज्ञानिकों कृषि विभाग और कृषि से जुड़े अन्य सभी विभागों के पदाधिकारियों कृषि संस्थानों के छात्र छात्राओं राज्य सरकार और बिहार की जनता के लिए मेरी शुभकामना है कि आपके प्रयासों से बिहार दिन दुनी रात चौधरी प्रगति करता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।